नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ पे है। इस क्वेश्चन में हमें I1, I2 एंड I3, जो सर्किट में I1, I2 एंड I3 करंट है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम ये वाला जंक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमने KCL में पढ़ा था कि एक जंक्शन पे इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होता है, एंड ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थ्री वायर्स मीट कर रही हैं। इस पॉइंट पे अगर मैं KCL अप्लाई करूँ, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट देखूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, इनकमिंग करंट यहाँ पे 9 है एंड आउटगोइंग करंट 8 mA प्लस I2। इनकमिंग करंट दैट इज 9 mA इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट दैट इज I2 प्लस 8 mA। यहाँ से मेरे पास I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 8 इक्वल्स टू 1 mA। सो गाइज, हमने I2 फाइंड कर लिया। KVL एंड KCL के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बट आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इनको अप्लाई करना आसान होता है, बस हमें सही साइन एंड डायरेक्शन सही लेनी होती है। हमने I2 कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1 mA। अब हम ये वाला जंक्शन कंसिडर करते हैं। इस वाले पे हम देख सकते हैं कि I3 एंड 12 mA यहाँ से इनकमिंग करंट है एंड इस जंक्शन से आउटगोइंग करंट 9 mA है। अगेन अप्लाइंग KCL गाइस, अगर नाम देना है तो हम जंक्शंस को नाम भी दे सकते हैं, इसको जैसे 1, इसको 2 एंड फाइनल हम यहाँ निकालेंगे तो इसको 3। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अप्लाइंग KCL एट जंक्शन 1 एंड अप्लाइंग KCL एट जंक्शन 2। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 12 mA प्लस I3 करंट इज इक्वल्स टू 9 mA, दैट इज आउटगोइंग करंट। गाइज, यहाँ से I3 के हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 12 - 3 mA। गाइज, हमने I3 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम I1 कैलकुलेट करेंगे। हम I1 बाद में इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इस जंक्शन पे हमें पहले I2 एंड I3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम I1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नाउ गाइज, अप्लाइंग KCL एट जंक्शन 3। सो गाइस, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट हमारा I1 प्लस यहां से I2 है एंड आउटगोइंग करंट I3 है। I1 प्लस इनकमिंग करंट I2 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट दैट इज I3। I2 एंड I1 इनकमिंग एंड I3 आउटगोइंग करंट। I1 एंड I2 की वैल्यू हम I1 की नहीं, I2 एंड I3 की वैल्यूज हमें पता है, हम वो सब्सिट्यूट कर देंगे। I1 प्लस I2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी 1 mA इक्वल टू I3 दैट इज -3 mA। फ्रॉम हेयर I1 इक्वल टू -3 - 1 दैट इज -4 mA। तो गाइज, हमने I1, I2 एंड I3 इस सर्किट में सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू गाइज।